हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है मुझे जब भी मैं कभी मीशो या कुछ सरोजनी का शूट कर रही होती हूँ। अब ये एक्साइटमेंट मैं आपको वर्ड्स में तो दिखा नहीं सकती, तो मैंने सोचा ये ग्लासेस पहन के दिखाती हूँ। सो, जब मैंने लास्ट टाइम मीशो हॉल वीडियो शूट की थी, तो उसमें मैंने सब कुछ रिव्यू किया था, क्लोथ्स, बैग्स, एसेसरीज, शूज़। और मैं उस टाइम उस वीडियो के टाइम थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई थी मीशो से। बट फिर मैंने और भी यूट्यूब शॉर्ट्स देखे और भी वीडियोस देखे जिसमें काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने रिव्यू किया हुआ है। और यूट्यूब शॉर्ट्स पे तो मुझे इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें दिखती है मीशो से, एसेसरीज़, क्यूट से बैग्स, इतनी प्यारी प्यारी हील्स। तो मैंने सोचा इसको एक और ट्राई देते हैं। और मेरी पुरानी वीडियो पे आप लोगों ने भी कमेंट किया हुआ था कि मे बी शायद आपने रिव्यू पढ़ के नहीं मंगवाया या आपने अच्छे स्टार रेटिंग वाले सामान नहीं मंगवाए। बट ऐसा नहीं है, मैंने रिव्यू पढ़ के ही मंगवाए थे लास्ट टाइम भी। बट फिर मैंने सोचा चलो कोई ना एक ट्राई और देते हैं, और इस बार मैंने मंगवाए हैं बहुत सारे बैग्स मीशो से। और इस बार मैंने लिटरली बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े हैं, मैंने स्टार रेटिंग देखी, और मैंने वही बैग्स मंगवाए हैं जिनके स्टार रेटिंग अबव 4 और कुछ कुछ की तो अबव 4.5 भी है। और रिव्यूज़ में सारे अच्छे कमेंट्स थे, तो मैं नहीं चाहती कि इस बार मैं डिसअपॉइंट हूँ, इसीलिए मैंने ये मंगवाया। सो लेट्स सी इस बार मेरे साथ एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला सीन ना हो। और सारा सामान पैकेट्स आ गए, मैंने अभी तक खोले नहीं है, तो मैं आप लोग के सामने खोलने वाली हूँ सो दैट मेरे रिव्यूज़ बिल्कुल जेन्युइन रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सो ये रहे सारे बैग्स, ये रहा सारा सामान, और मैंने सारी वैरायटी मंगवाई है बैग्स के। सिर्फ एक ही टाइप के बैग नहीं मिलेंगे आपको, हर स्टाइल का बैग मिलेगा इसमें। तो मैं तो अब सीधा खोल के ही देखते हैं, इतनी ज़्यादा बातें करना भी सही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं सारे पैकेट्स पहले खोल लेती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। ओ माय गॉड गाइस, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैंने जस्ट अभी सारे पैकेट्स खोल के अपने सामने रखे, और मुझे इतने पसंद आ रहे हैं ना इस बार बैग्स। मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट बैग जो मुझे सबसे क्यूट और सबसे प्यारा लगा, जिसको मैंने खोलते ही बोला वाओ, तो वो है ये। इतना सॉफ्ट फर है इसका, ये आपको बैग में टेडी बेयर भी मिलता है, बिकॉज ये इतना सॉफ्ट है, पूरा टेडी बेयर वाला फील दे रहा है। ये है एक स्लिंग बैग, और इसके साथ आती है ये चेन, इसको आपको अटैच करना है। मैं अटैच कर लेती हूँ पहले। सो, मैंने इसकी स्लिंग चेन लगा दी है, ये थोड़ी छोटी है वो इसीलिए क्योंकि इसमें इन लोगों ने लिखा हुआ है कि दिस इज़ फॉर गर्ल्स किड्स, इट मीन्स ये बच्चों के लिए है। बट ये मुझे अपने लिए बहुत अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट और इतना प्योर वाइट इसका कलर है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया उसके। और इसके प्राइस रेंज सिर्फ 290 समथिंग का, और उस हिसाब से अगर आपको ये मिल रहा है तो वाओ। और ये मैं अपने पास नहीं रखूँगी, मैं प्रीशा को गिफ्ट कर दूँगी, आई नो ये उसको बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसी क्यूट क्यूट चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती है ना। सो दिस, ये आपको कुछ ऐसे मैं दिखा देती हूँ कैसा लगेगा। मेरी इस ड्रेस पे तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, बट आपको आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट इज दिस, और ये है स्टाइलिश फैदर्स चेन क्लचेस। सो दिस इज़ अ क्लच, और ये और चार कलर्स में अवेलेबल है, बट मैंने ये कलर मंगवाया। और गाइज, आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ 227 का है। OMG, 200 रुपये में ये चीज़ मिल रही है, वाओ, ये मुझे इतना पसंद आ रहा है ना। सो, वैसे तो ये क्लच है, बट आप इसको एज अ स्लिंग बैग भी कैरी कर सकते हो। मैं इसका, ये इसका स्लिंग चेन है, ये मैं लगा लेती हूँ पहले। सो, स्लिंग चेन लगाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। और ऐसे वाले क्लचेस ना ड्रेसेस पे, साड़ीज़ पे बहुत स्मार्ट लगते हो। मेरे पास क्लचेस का कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो आज देखो, अगर आप आज की वीडियो में देखोगे तो मैंने बहुत सारे क्लचेस मंगवाए हैं, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख ही सकते हो ये कितना स्मार्ट लग रहा है, इसे कैरी किया हुआ इस ड्रेस पे भी मुझे अच्छा लग रहा है। बट इसका मुझे एक ही चीज़ लगा कि यहाँ पे जो एक कुछ कपड़ा इन लोगों ने जो भी यूज़ किया हुआ है ना, वो थोड़ा सा चीप लग रहा है। अगर ये उसको थोड़ा बेटर कर देते तो ये डेफिनेटली 5 रेटिंग वाला आइटम था, बट इस चीज़ ने इसको थोड़ा सा गंदा कर दिया है। एनीवेज, अच्छा है, मुझे पसंद आया। और क्लचेस में आप ज़्यादा सामान तो कैरी कर नहीं सकते, तो वही सीन इसका भी है, आप सिर्फ अपना फ़ोन, लिपस्टिक और एक दो चीज़ें ही कैरी कर सकते हो। सो दिस, नेक्स्ट है ये, और ये है फैशनेबल
एंड शॉपिंग हैंडबैग पिंक, और ये इतने सारे कलर्स में अवेलेबल है, आप कलर बोलो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये इतने कलर्स में है। और मैंने सोचा मैं सारे बहुत छोटे छोटे स्लिंग बैग्स मंगवा रही थी, तो एक बड़ा बैग भी मंगवा के देखती हूँ। सो मैंने ये मंगवाया, ये थोड़ा सा शाइनी सा पिंक कलर है, प्रॉपर पिंक नहीं है ये। मैं इसका एग्जैक्ट कलर चेक करने पहुँच गई थी, तो इसमें पिंक ही लिखा है, सो हम इसको पिंक ही बोलते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा शाइन है, लाइक कुछ ज़्यादा ही शाइन है, इतनी शाइन मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी। और इसमें दो पार्टीशंस दिए हुए हैं, लाइक दो पॉकेट्स, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और पीछे भी एक पार्टीशन है, आप बहुत सारा सामान इसमें कैरी कर सकते हो। बट मुझे इसका एक ड्रॉबैक ये लग रहा है कि ये बहुत कड़क सा रह रहा है, आप समझ रहे हो, ये एडजस्ट नहीं हो रहा है। मुझे लगता है इसमें सामान भी भरोगे तो ये अब ये सामान के साथ अडेप्ट नहीं करेगा, ये ऐसे ही रहेगा, तो बस वो मुझे इसका एक ड्रॉबैक लग रहा है। बाकी तो ये ठीक है, स्टाइल के लिए ये भी दिया हुआ इन लोगों ने इसमें कुछ, ये मुझे ठीक ठीक लगा, सो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी। ओके ओके, मतलब ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ दिस, और ये एक क्लोथ मटेरियल में बैग है, बट मुझे इसमें मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा था, लाइक मैं इतना साइज़ तो एक्सपेक्ट कर रही थी, बट ये बहुत ही छोटा है, बट शायद उस चीज़ को कवर करने के लिए इन लोगों ने साथ में मुझे किट गिफ्ट की है, बिकॉज ये इसमें मेंशन नहीं है कि साथ में आएगी, बट ये दोनों साथ में आए तो मे बी हो सकता है। ये बैग मैंने इसलिए मंगवाया था कि बीचेस वगैरह पे और कई बार ड्रेसेस पे ना ऐसे ऐसे बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली जब आप ब्राउन या वैसे फ्लैट ग्लैडिएटर्स पहनो, कोई प्लेन ड्रेस पहनो, ऐसे बैग्स पहनो एंड यू आर गुड टू गो, और बीचेस पे तो स्पेशली ऐसे बैग्स चलते हैं। बट बहुत ही छोटू सा, बहुत ही क्यूट सा बैग है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना छोटा है, इसमें शायद मेरा फ़ोन भी ना फिट हो, तो मे बी शायद इसमें वॉलेट, थोड़ा सा कैश, बट शायद उसी चीज़ के लिए इन लोगों ने ये किट दी कि अगर आपका फ़ोन इसमें ना है तो अपना फ़ोन इसमें डाल के ले जाओ। तो सही है, ये सेटिंग भी साथ में सही है, अच्छा है, क्यूट सा है, कलरफुल सा है, सो नाइस, ये मुझे अच्छा लगा। सो नेक्स्ट इज़ दिस, और इन लोगों ने ये स्लिंग बैग लिखा हुआ, और ये भी बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, और इसका मटेरियल जो लिखा हुआ है वो है सिंथेटिक, और इसमें एक ही कंपार्टमेंट, एक ही अपार्टमेंट जो इन्होंने लिखा हुआ है वो है। ऐसे वाले बैग्स ये तो बहुत ही पर्टिकुलर बैग्स होते हैं, ये तो सिर्फ स्टाइल के लिए, ड्रेसेस पैसे करके कैरी कर लो, कलर ब्लॉकिंग के लिए यूज़ कर लो, ये डेली यूज़ वाले बैग्स तो बिल्कुल भी नहीं होते। मुझे इसका कलर बहुत प्रिटी लगा था, बहुत ही प्रिटी सा लैवेंडर कलर है ये, इसलिए मैंने इसको मंगवाया। और इसमें ना अंदर आप देख सकते हो तो पार्टीशन भी मतलब लाइक एक ही है, और एक ही पार्टीशन अंदर छोटी सी जिप दी हुई है, और सामान इसमें बहुत कम आएगा, तो बस वो ये कि लाइक स्टाइल के लिए, फ़ोटोशूट्स के लिए ये बैग्स यूज़ हो जाते हैं, बट अच्छा है, अगर आप भी कुछ ऐसा बैग ढूंढ रहे हो तो इट्स गुड, ये मुझे पसंद आया, नाइस। नेक्स्ट है ये दोनों क्लचेस, और इसका मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा कि जब मैं इसको मीशो पे देख रही थी तो मुझे था कि शायद जब मैं सिलेक्ट कर रही थी तो ऑप्शन नहीं आ रहा था कि यू वांट ब्लैक और यू वांट गोल्डन, तो मुझे लगा शायद मे बी अपनी मर्ज़ी से ही कोई भी भेज देंगे, बट इन्होंने दोनों भेजे हैं एंड सिर्फ और सिर्फ आई गेस 359 के, हाँ 359 में आपको दो क्लचेस मिल रहे हैं। और क्वालिटी की बात करूँ तो 359 में अगर दो क्लचेस मिल रहे हैं तो क्वालिटी इज़ गुड, रियली गुड, उस हिसाब से मुझे ये बहुत अच्छे लगे। इस टाइप के क्लचेस साड़ी ड्रेसेस, पार्टी वेयर ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा यही अच्छे लगते हैं, और मेरे पास बिल्कुल थे नहीं, तो मैंने सोचा मंगवा के देखती हूँ गोल्डन कलर का, क्योंकि मेरे को गोल्डन चाहिए था। और अगर आपको इसको ऐसे हैंड में नहीं कैरी करना तो आप इसमें साथ में चेन दी है तो ये बन जाता है फिर एक स्लिंग बैग, और फिर आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हो। और अगर मैं इनके पार्टीशन की बात करूँ, मुझे वैसे गोल्डन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस ब्लैक से, ब्लैक थोड़ा सा क्वालिटी मेरे को अच्छी नहीं लग रही, शायद इसीलिए साथ में एक गिफ्ट फ्री दे दिया। इसमें इतना स्पेस है दोनों क्लचेस में, अच्छा है, लाइक आपका थोड़ा मेकअप का सामान, फ़ोन, थोड़ा कैश कार्ड्स तो आ ही जाएंगे, तो अगर ये सेट ऑफ टू इस प्राइस में मिल गया है तो इट्स गुड। और मीशो तो इस बार मुझे सरप्राइज़ करे जा रहा है, एक के साथ एक गिफ्ट भेज के, पहले उस बैग के साथ वो पाउच भेज दिया और इसके साथ ये ब्लैक वाला दे दिया, वाओ। नेक्स्ट इज दिस, और ये है स्लिंग बैग, और इसका मटेरियल लिखा हुआ है PU लेदर, मुझे नहीं पता PU लेदर क्या होता है, बट अगर आप लोग को पता तो प्लीज़ कमेंट से बताना। मुझे इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे इसका ये प्रिंट, इसका ये पैटर्न जो ये बनाया हुआ है, ये मुझे बहुत अलग और बहुत अच्छा लगा, और ये चार कलर्स में और अवेलेबल है, नहीं पाँच कलर्स में अवेलेबल है ये। तो इस बैग का जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा वो इसके स्लिंग स्ट्रैप, ये पूरी बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही सुंदर बनाई हुई है इन्होंने। ऐसे वाले बैग्स का क्या होता है, ये खुद में एक एक्सेसरी होती है, आप प्लेन ड्रेस पहनो और ऐसा बैग कैरी करो, कुछ मैचिंग हील्स पहन लो एंड लुक पूरा तैयार। बट इसमें मुझे एक चीज़ लगी कि यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत ही सारे स्क्रैचेज है, यूज्ड सा लग रहा है मुझे, सो उस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया। बाकी ये ऐसे खुलता है, और अंदर पार्टीशन भी है, दो पार्टीशन है अंदर, और प्लस एक जिप वाला पार्टीशन भी है,
वो अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। इसको आप लाइक सिर्फ फैशन के लिए नहीं, आप इसको बहुत सारा सामान कैरी करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा, बहुत सारे कलर्स में भी है और लाइक गुड। ठीक, नेक्स्ट इज़ दिस क्लच। और ये क्लच एक ऐसी चीज़ है जो मैंने खोल के पहले ही देख ली थी और ये इतना सुंदर है। इसका जो मटेरियल है वो इन लोगों ने फॉक्स लेदर लिखा हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल। इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 266। और 266 में अगर आपको ये चीज़ मिल रही है तो ये बहुत ही अच्छा है देखने में। ना ये लगेगा भी नहीं आपको कि आपने मीशो से लिया, इतना क्लासी लग रहा है देखने में। और अंदर पार्टीशन भी अच्छे हैं, लाइक इनफ पार्टीशन से, वॉलेट में इतने पार्टीशन होते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। उसका कलर इतना प्रिटी है और शायद ये और भी कलर्स में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। दिस इज़ रियली नाइस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट इज़ दिस, और ये है सुपर सॉफ्ट प्लेट पैटर्न शोल्डर क्रॉस बॉडी फैशन बैग। और इसका मटेरियल भी PU लेदर लिखा हुआ। इसका कलर देखो एक बार, कितना प्रिटी कलर है। इन्होंने स्काई ब्लू लिखा है बट ये कुछ पेस्टल स्काई ब्लू टाइप का इसका कलर है। और ये इतना सुंदर लग रहा है ना देखने में मुझे, वाओ। बट इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा था, आई थिंक 600 समथिंग का है ये। बट उस हिसाब से अगर ये इतना है तो ये प्राइस इसका वर्थ है, सही प्राइस है। ये बहुत ही अच्छा बैग है, इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है। इसकी स्टिचिंग वर्क वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से की हुई है। बट इसमें पार्टीशन सिर्फ एक ही है और अंदर भी लाइक सिर्फ एक ही ये है एरिया, अंदर कोई पार्टीशन नहीं अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। बट इसी में सारा सामान रखना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे अंदर एक जिप वगैरह दे देते तो सही रहता है, बट कोई ना, फैशन के लिए होते हैं ऐसे वाले बैग, स्टाइल के लिए होते हैं, सो इट्स गुड। आप देख सकते हो कैरी करने के बाद भी कितना स्मार्ट लग रहा है। नेक्स्ट इज दिस, और ये तो पूरा मेरे इस अटायर पूरे ड्रेसअप से मैच हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं इसको अच्छे से कैरी करके दिखाती हूँ। इसमें एक चीज़ मुझे लग रही है वो ये कि इसका ये चेन बहुत हैवी है। ये चेन इतनी हैवी कि इसमें कुछ भी सामान रखोगे ये बैग और हैवी हो जाएगा। बट वैसे ये बैग बहुत क्यूट, बहुत ही प्रिटी सा, बहुत ही अच्छा कलर है इसका। इस बार मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई क्योंकि जो लास्ट टाइम जो बैग्स आए थे ना उसमें अच्छे से स्टिचिंग नहीं हो रखी थी या फिर कुछ अच्छे से पेस्ट नहीं किया हुआ था, और जो उनके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ था उसके भी अच्छे पेंट निकल रहा था। तो वो चीज़ मुझे बहुत, उस चीज़ ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया था। बट इस बार ऐसा किसी बैग में नहीं हुआ और ऐसा नहीं है कि प्राइस रेंज में कुछ खास फ़र्क आया हो। आई थिंक सेम ही रेंज के बैग्स है जो लास्ट टाइम लिए थे और जो मैंने इस टाइम लिए। बट दिस टाइम ये बैग भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देखो बहुत ही क्यूट सा, प्रॉपर पार्टीज़ कैजुअली ड्रेसेस कैसे आप उसको कैरी कर सकते हो। और पार्टीशन की अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें 3 पार्टीशन भी और प्लस एक चेन वाला पार्टीशन भी है। सो अगर आपको इस प्राइस में ये चीज़ मिल रही है तो इट्स रियली गुड। और कितना स्टाइलिश भी लग रहा है ये। और मैंने इसी का एक कुछ थोड़ा सा बड़ा साइज और सिमिलर सा मंगवाया था, तो वो है ये। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है इससे, तो इसको रख देते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे उसमें 2 चेन्स थी, इसमें 1 ही चेन है, बट इसकी चेन भी बहुत हैवी। आई डोंट नो ये क्यों इन लोगों ने क्या हुआ कि अगर कुछ रखोगे तो बैग इतना हैवी हो जाएगा। मुझे अभी इतना हैवी लग रहा है बिना कुछ इसमें अंदर रखे हुए। सो ये इसका मटेरियल थोड़ा सा कंपेरेटिवली सॉफ्ट है जो मैंने पहले दिखाया था उससे। और इसमें भी सेम 3 पार्टीशंस हैं, चेन वाला पार्टीशन भी एक है। सो अच्छा है, ये मुझे दोनों पसंद आए, नाइस। और ये मेरे बहुत यूज़ भी होने वाले हैं, जैसे मैंने आज जैसे कुछ ड्रेस पहनी है तो ऐसे कैरी कर लो। सो अब एक लास्ट बैग बचा है और हम उसकी तरफ चलते हैं। लास्ट इज दिस, और ये बैग, इसकी तो मुझे स्ट्रैप इतनी पसंद आई थी ना, और ये आया भी सबसे लास्ट में, ये भी शायद ये बहुत दूर से आया होगा। और ऐसे वाले बैग्स का क्या होता है, कुछ भी आप कैजुअल सा कुछ भी पजामा पहनो, कुछ भी घर के कपड़े या फिर कैजुअल से ड्रेसेस वगैरह पे इसको ऐसे कैरी कर लो, इतना स्मार्ट सा लगता है। तो इसलिए मैंने ये मंगवाया और इसका प्रिंट मुझे इतना अच्छा लगा। और ये बहुत सारे प्रिंट्स में और अवेलेबल अगर आपको देखना हो। और इसमें कंपार्टमेंट लाइक पार्टीशंस भी इसमें 4 हैं, 4 लिखे बट मुझे तो शायद 3 ही दिख रहे हैं। एक ये हो गया और अंदर 2 छोटे छोटे ऐसे वाले पार्टीशंस हैं। अच्छा है ऐसे वाले पार्टीशन, लाइक मुझे ना पार्टीशन चाहिए होते तो कि एक सेपरेशन बना रहता, लाइक अगर मैं इसमें लिपस्टिक्स वगैरह रख लूँ, इसमें कुछ और सामान, इसमें कुछ और, तो वो चीज़ वो पार्टीशन सही रहते हैं। इसका मटेरियल एक्रेलिक लिखा हुआ है और अच्छा है, ये बॉक्स शेप का बहुत ही अच्छा सा बैग है, मुझे ये बहुत पसंद आया। और इस प्राइस में अगर ये मिल गया तो फिर तो नाइस, ये अच्छा लगा। सो इस बार मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मीशो के साथ। मेरे साथ एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला सीन इस बार नहीं हुआ। मुझे सारे बैग्स, एक दो को थोड़ा बहुत तो इतना तो चलता ही है, बट मुझे इस बार सच में बहुत पसंद आए। और जिन बैग्स के मैंने प्राइस वगैरह नहीं लिखे, नहीं बताए अपने मुँह से, तो वो मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी। और सबकी बाकी बैग्स की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो अभी मुझे एक पार्टी में जाना है और आज मैं इसी में से कोई एक बैग कैरी करूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ रेडी होकर मैंने कैसे उस बैग को स्टाइल किया। तो चलो पहले हम वो करते हैं।
मैं अभी पार्टी के लिए रेडी हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा मेकअप टचअप किया जाए, और मैंने बहुत दिनों के बाद आज लाइनर लगाया है सीरियसली, और आज ही मेरा लाइनर मैच नहीं, और कभी मैच नहीं करता, तो मैं अभी अपना थोड़ा सा हाइलाइटर और ब्लश लगा रही थी, तो अभी मैंने सोचा कि आई शुड इंट्रोड्यूस यू गाइज टू दिस न्यू ब्लश दैट आई रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग, और वो है ये, दिस इज़ अ क्रेम ब्लश एंड दिस इज़ रियली ग्रेट फॉर ड्राई स्किन, और आप लोग को तो पता ही है मेरी स्किन कितनी ड्राई है, थोड़ा सा ही पानी लगते जब तक मॉइस्चराइज ना करूँ वैसे खिंची खिंची रहती है, एंड दिस इज़ फ्रॉम एन वाई बे, और इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि ये 3-in-1 है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने आईज पे, अपने चीक्स पे और अपने लिप्स पे, तो चलो मैं इसको स्वॉच करके दिखाती हूँ, अप्लाई करके दिखाती हूँ। कितना प्रिटी कलर है, ये 6 वाइब्रेंट कलर्स में अवेलेबल है गाइज, ये 6 कलर्स में आता है, मैंने इसके 2 कलर्स मंगवाए थे, मैं इसका दूसरा कलर भी आपको दिखाती हूँ, बट सेंस अभी मैं आज पार्टी में जा रही हूँ तो मैं पिंक पे जाऊँगी, मैं ये वाला यूज़ नहीं करूँगी। सो आई मेकअप तो मैंने कर रखा है, तो आई विल अप्लाई दिस ऑन माई चीक्स एंड माई लिप्स। इतना प्यारा इसका एप्लीकेटर है, इतना ईजी है इसको अप्लाई करना, जस्ट अ बिट ऑन माई चीक्स, ज़्यादा नहीं लगाना, ज़्यादा पिंक पिंक हो जाएंगे वरना। And then use your fingers to blend this. Guys, see, कितना dewy finish, कितना creamy finish, कितना pretty लग रहा है ये लगाने के बाद. Now I'll apply this on my lips. Let's see. इतना pretty सा लाइक कि प्रॉपर लिपस्टिक तो नहीं है, ऑब्वियसली लिपस्टिक वाला फील नहीं आएगा, बट बहुत ही प्रिटी टिंट मेरे लिप्स पे आपको दिख रहा होगा जो इसको लगाने के बाद आ गया है, वाओ। और अगर टेक्सचर की बात करूँ, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है इसका, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए आपको इसको लेयर करना पड़ेगा पाउडर ब्लश से, और इसके प्राइस की बात करूँ तो ये सिर्फ 249 रुपीज़ का है, बट एज ऑफ नाउ देयर इज़ आई हार्ट पर्पल सेल गोइंग ऑन, तो आप इसको सेल पर बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर ग्रैब कर सकते हो पर्पल से, तो जल्दी से जाओ एंड ग्रैब योर्स। सो मेकअप तो हो गया, अब मैं फटाफट ड्रेस पहन के आती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा बैग कैरी किया। चलो एंड आई एम रेडी, और मैंने कैरी किया ये वाला लेवेंडर बैग बिकॉज ये पूरा मैच कर रहा था मेरी हील्स से, और मैंने इस बैग को रेडी भी कर लिया है, मैंने इसमें अपना फ़ोन, थोड़ा सा मेकअप का सामान और थोड़ा सा बाकी रुपीज़ वगैरह रख लेंगे, ज़रूरत पड़ जाती है। ऑल्सो गाइज, इस बार मुझे मीशो ने डिसअपॉइंट नहीं किया, इस बार मैं थोड़ी खुश हूँ और मुझे चीज़ें भी काफ़ी पसंद आई, एंड होपफुली आप लोग को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो और मज़ा आया हो देखने में, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।